हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एमएस एक्सेल में एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे कि किस तरह से हम नंबर और नाम को अलग कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कंडीशन कब लगती है। मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों ऐसा होता है कि आपको नंबर्स भी मिलते हैं लेकिन जो नेम होते हैं वो उनके साथ में ही मिल जाते हैं, या हो सकता है आपको नंबर के साथ कोई कोड मिल जाए और आप चाहते हो कि वो नंबर अलग हो जाए और वो कोड अलग हो जाए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंपल सा फॉर्मूला लगाकर अपने इस काम को और भी जल्दी कर सकते हो। दोस्तों, आपको और कोई बिग फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। आइए हम समझ लेते हैं कि हम ये किस तरह से हम इसको ईजीली कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे कि जॉन, रमेश, सुरेश। मान लीजिए कि ये इनके नंबर्स हैं और ये इनके नेम हैं। हम चाहते हैं कि इस तरीके से नंबर अलग हो जाए और इस तरीके से इसके जो नाम है ये भी सेपरेट हो जाए। तो दोस्तों, वो हम कैसे कर सकते हैं इसको समझाने के लिए, दोस्तों मैं सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हो गया डिलीट। अब हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे। इजी सा हमारा फॉर्मूला है जो कि हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पर लगा लेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला। आपने लेफ्ट प्रेस करना है और आपने टैप कर देना है। दोस्तों, जैसे आपने टैप किया, अब ये जो आपका टेक्स्ट है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर कॉमा लगाते हुए नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर फॉर्मूला आपको इंसर्ट करना है वो है फाइंड का फॉर्मूला। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर टैप करते हुए यहाँ पर आपको स्पेस के लिए डबल कोट और स्पेस के साथ डबल कोट कॉमा, और फाइनली आपका ये जो टेक्स्ट है आपको इसको अगेन सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज करते हुए अब बस सिर्फ आपको एंटर ही कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, आपका जो नंबर है दोस्तों वो सेपरेट हो चुका है। अब आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बस आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, आपके नंबर सेपरेट हो चुके हैं। बट दोस्तों, अब हमको नेम्स भी तो अलग करने हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पर इक्वल को इंसर्ट करते हुए हम यहाँ पर लगा देंगे राइट का फॉर्मूला। जैसे हम यहाँ पर राइट टाइप कर लेते हैं, टैप के हेल्प से हम इसको टैप कर लेंगे और अब आप यहाँ पर इंसर्ट करोगे आपका टेक्स्ट। ये देख, आपका ये रहा टेक्स्ट। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पर कॉमा लगाते हुए दोस्तों अब आप यहाँ पर लाइन का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और यहाँ पर टैप करते हुए दोस्तों आपको यही टेक्स्ट को इंसर्ट करा लेना है। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर लेना है ना। अब आपको यहाँ पर माइनस कर लेना है और यहाँ पर आपको फाइंड का फॉर्मूला इंसर्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर आ चुका। आप टैप की मदद से इसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। बस आपको सिर्फ स्पेस के लिए डबल कोट लगाते हुए कॉमा, फाइनली आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर लेना है। देखिए दोस्तों, आपका नेम भी अब अलग हो चुका है। आप यहाँ पर फॉर्मूला बार में देख सकते हो फॉर्मूला, और ये आपका नंबर सेपरेट हो चुका है और ये आपका नेम, और आप अब इसको भी इस तरीके से ड्रैग कर लोगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप नंबर और नेम को अलग कर सकते हो। दोस्तों, हमारी और एक्सेल की वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर एमएस वर्ड के रिलेटेड, एमएस एक्सेल के रिलेटेड फॉर्मूलाज, टैली के रिलेटेड आपको वीडियोस, कॉरल ड्रॉ रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, शेयर कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स।